10. माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मान सदस्य को बताना चाहता हूँ, खंड एक, प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में समन्वय स्टेडियम विकास कार्यक्रम 2015 के तहत अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर प्रचलित एटलीस्ट वन आउटडोर गेम का खेल मैदान बनाए जाने का प्रावधान है, जिसे स्थानीय स्तर पर मनरेगा योजना के तहत जिला परिषद के माध्यम से बनाए जा सकते हैं। 2021-22 की बजट घोषणा के बिंदु संख्या 61 के अनुसार मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत चरणबद्ध रूप से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में खेल स्टेडियम के विकास कार्य करवाए जाने हेतु विधायक सांसद निधि जनप्रतिनिधि जन सहयोग CSR के प्राप्त राशि के बराबर राशि मैचिंग ग्रांट के रूप में राज्य सरकार द्वारा अधिकतम 25 लाख दी जाती है, जिसे वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा 23-24 में बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गई है। खंड दो, विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ की ग्राम पंचायत बंजिरका में खेल स्टेडियम बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, बजट उपलब्धता एवं गुणवत्ता के आधार पर स्टेडियम निर्माण का विचार किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी कि मेजर ध्यानचंद योजना के तहत ग्राम पंचायत बंजिरका में अगर जमीन उपलब्ध है और मैचिंग ग्रांट सरकार के बराबर दिया जाएगा तो क्या आप इसमें स्वीकृति प्रदान करेंगे? और खंड दो में आपने गुण अवगुण की बात करी, तो खेल स्टेडियम बनाने के लिए ग्राम पंचायतों में क्या गुण अवगुण होने चाहिए, इस पर जरा स्पष्ट कर दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मान सदस्य ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम की बात कही, लेकिन खंड एक में पुनः ही उत्तर दे चुका हूँ। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत चरणबद्ध रूप से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में, मैंने उसी समय ब्लॉक थोड़ा सा बोला था कि ब्लॉक में ही ये प्रावधान है, लेकिन माननीय सदस्य अनेकों बार इस पंचायत के लिए बहुत चिंतित रहती हैं और वहाँ के खेलों को और युवाओं को बढ़ावा देने के लिए इनकी बड़ी भावनाएँ हैं, तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेजर ध्यानचंद के तहत तो नहीं, लेकिन मैं जरूर हाजिर हो जाऊंगा और कुछ न कुछ और रास्ता निकालेंगे ताकि आपके भावना के अनुरूप जो आप वहां के बच्चों के खेलों के भविष्य को बढ़ावा देना चाहती हैं, कुछ न कुछ वहां निर्माण जरूर किया जाए। ब्लॉक का अर्थ ब्लॉक हेडक्वार्टर है, क्योंकि एक ब्लॉक या तहसील तो बहुत सारी ग्राम पंचायतों को मिला के बनती है ना, तो अगर हेडक्वार्टर की बात है तो हेडक्वार्टर पे जमीन उपलब्ध आसानी से होती नहीं। ब्लॉक का हेडक्वार्टर नहीं, ब्लॉक में, तो ये ब्लॉक का हिस्सा ही तो है ये ग्राम पंचायत, तो रामगढ़ मींस ब्लॉक। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, ब्लॉक का मतलब ब्लॉक हेडक्वार्टर ही है, तो बोलो आप ब्लॉक हेडक्वार्टर मान रहे हैं ना? हाँ, ब्लॉक हेडक्वार्टर ही, इनका सर इनके विभाग ब्लॉक का मतलब ब्लॉक हेडक्वार्टर पे बनाएंगे। नहीं, अगर जमीन कहाँ उपलब्ध होती है, मुझे लगता है सभी सदस्य, आपके माननीय मंत्री जी, आप एक ब्लॉक में बनाना चाहते हैं और ब्लॉक हेडक्वार्टर पे जमीन नहीं है, तो क्या सरकार ब्लॉक की जगह पर उस ब्लॉक के किसी पंचायत में जहाँ जमीन उपलब्ध है मास्टर ने बनाने की योजना लागू करेगी? विशेष परिस्थितियां देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं खुद निवेदन करके यदि इस प्रकार से कोई शिथिलता दी जा सकेगी, संभव होगा तो मैं कोशिश। माननीय मंत्री जी, इसमें सिंपल है, बटे आप मैचिंग ग्रांट लेते हैं, MLA 25 लाख रुपये अपने फंड से या MP के फंड से दे रहे हैं, तो आप कृपया उस रेस्ट्रिक्शन को हटाएं, ब्लॉक में जो भी पंचायत में जो MLA या जनप्रतिनिधि MP 25 लाख रुपए दें उसकी मैचिंग ग्रांट दे रहे हैं, इसलिए आपको रेस्ट्रिक्शन हटाना चाहिए इसमें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इसीलिए कह दिया है कि विशेष परिस्थिति देखते हुए, विशेष परिस्थिति यही है, ब्लॉक हेडक्वार्टर पर जमीन नहीं है तो कहीं और पंचायत में अवेलेबल है। आप विशेष परिस्थिति नहीं, विभाग निर्णय ले कि किस ब्लॉक में जहां पर जनप्रतिनिधि जिसी पंचायत में 25 लाख रुपए दे रहा है, आपको तो मैचिंग ग्रांट कंडीशनल है, आप नहीं बना रहे हैं, आपको मैचिंग ग्रांट आने के बाद आप मैचिंग ग्रांट देते हैं, तो ये डिस्कशन MLA और MP का है कि उस ब्लॉक के किस पंचायत में जमीन उपलब्ध है वहां पैसा देना चाहता है, तो उसमें आपको मैचिंग ग्रांट देने के लिए नियम में देना चाहिए। विशेष परिस्थिति क्या है इसमें, तो एक जनरल इलेक्शन दीजिए इसमें। मैं फिर से माननीय अध्यक्ष महोदय आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें रिलैक्सेशन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि ये बजट घोषणा है और ये ब्लॉक हेडक्वार्टर के लिए विशेष। माननीय मंत्री जी, आप बैठे हैं, विभाग का मतलब मंत्री होता है, मंत्री का काम है मुख्यमंत्री से करा के लाए, मुख्यमंत्री से करा ही नहीं होता है सदन के अंदर मंत्री। आप यदि इस बात से सहमत है तो आप इस बात को कहें कि सदन नियमों में शिथिलता की जाएगी। साहब, इसमें शिथिलता देना मेरे हाथ में नहीं है, मैं इससे सहमत हूं, मैं इससे अब फिर नेता प्रतिपक्ष, अगर आपको हर चीज में ही बोलना है तो माननीय मंत्री बैठे,
एक में बैठे आप। हाँ, मैं समझता हूँ कि संसदीय मंत्री जी इस बात पर गंभीरता से लेंगे कि सरकार का मतलब सरकार होता है, सरकार की प्रक्रिया को संपादित करने का काम मंत्री का है। सदन की भावना यह है, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एज स्पीकर, कि आपने ब्लॉक के माध्यम से कहा है, जिस ब्लॉक के अंदर आपके नियम में आपने नियम बना रखा है कि जनप्रतिनिधि 25 लाख रुपए देगा तो आप मैचिंग ग्रांट देंगे। जब आपने ये व्यवस्था कर रखी है और ब्लॉक में जमीन उपलब्ध नहीं है तो विशेष के बनिस्बत आप सिंपल एक जनरल नियम बना दीजिए कि जिस ब्लॉक में जनप्रतिनिधि जमीन उपलब्ध है वहां पर भी 25 लाख रुपए देंगे तो सरकार वहां पर मैचिंग ग्रांट देगी। ये नियम में परिवर्तन करके सदन को सूचित करें। अगला प्रश्न जी जगदीश चंद्र, प्रश्न संख्या 311।